ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लेवल एंड वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल एनक्लोज इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ऑफ इनफाइनाइट हाइट. और ये भी करके आ सकता है, सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ बॉक्स, और कंडीशन दी होंगी कि इस रेंज में, इस रेंज से हमारा बॉक्स है, तो उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करिए. अगर सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन आ रहा है तो मतलब पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ही पूछा गया है. ड्राइव श्रोडिंगर इक्वेशन आ रहा है तो मतलब जो हमने कल करा था श्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव, टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो उसके लिए पूछेगा, है ना. पोटेंशियल बॉक्स भी आ सकता है, पोटेंशियल वेल भी लिखा हो सकता है, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल भी लिखा हो सकता है ना. तो चाहे इनफाइनाइट स्क्वायर वेल लिखा हो, चाहे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल लिखा हो, चाहे इनफाइनाइट हाइट का बॉक्स लिखा हो, तो सब में हमें यही डेरिवेशन करना है कि पार्टिकल को हमने कन्फाइंड किया है वन डायमेंशनल बॉक्स में. तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लेवल एंड वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल एनक्लोज इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ऑफ इनफाइनाइट हाइट. तो इसको समझते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ. पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो पहले इसको समझते हैं, फिर नेक्स्ट जो स्लाइड होगी वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बॉक्स है जो x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू एल के बीच में है. वन डायमेंशन का मतलब क्या है, जो पार्टिकल है वो सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर सकता है. ठीक है, और वो भी क्योंकि हमने बॉक्स के अंदर कन्फाइंड किया है, तो x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू एल के बीच में पार्टिकल होगा. इस बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल है, बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल है वो जीरो है. इस बॉक्स की जो वॉल है या इससे बाहर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है. ठीक है, और हम कैसा केस लेके चल रहे हैं, हम बहुत आइडियल केस लेके चल रहे हैं. तो इसमें हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी लो है. तो लो वेलोसिटी की वजह से हम क्या है, जो रिलेटिविस्टिक कंसिडरेशन है उसको भी इग्नोर करके चल रहे हैं. प्लस क्योंकि जो वॉल है हार्ड है, इनफाइनाइटली हार्ड है, तो पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज भी नहीं करता है. तो हम इलास्टिक कोलिजन भी लेके चल रहे हैं, तो पार्टिकल अपनी एनर्जी भी लूज नहीं कर रहा है. जब ऐसे मूव करेगा तो कोलाइड भी करेगा वॉल से, तो वो वॉल से कोलाइड करने की वजह से वो अपना एनर्जी भी लॉस नहीं कर रहा है, प्लस रिलेटिविस्टिक कंसिडरेशन को भी हम इग्नोर करके चल रहे हैं. तो बहुत आइडियल केस लेके चल रहे हैं यहाँ पे हम. ठीक है, फिर क्योंकि पार्टिकल हमने बॉक्स के अंदर कंसीडर किया है, तो यहाँ पे वॉल पे तो पार्टिकल नहीं हो सकता, वॉल पे तो नहीं आएगा. वॉल के इस साइड तो हो सकता है, बट वॉल पे नहीं हो सकता है पार्टिकल. तो पार्टिकल के साथ जो वेव फंक्शन एसोसिएट होगी या जो वेव एसोसिएट होगी, उसका जो वेव फंक्शन होगा विद इन बॉक्स तो होगा, बट वॉल पे और वॉल के इस साइड वेव फंक्शन जीरो होगा. ऐसे ही वॉल पे इस जगह और इस जगह वेव फंक्शन जीरो होगा. ये इसके लिए बाउंड्री कंडीशन भी है कि जो पार्टिकल है हमने बॉक्स के अंदर कंसीडर किया है, तो विद इन द बॉक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मैक्सिमम होगी, बट वॉल पे और वॉल के इस साइड, वॉल पे और वॉल के इस साइड जो प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग द पार्टिकल वो मिनिमम होगी, जीरो होगी, यानी कि शाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा. तो इसको करना स्टार्ट करते हैं. एक बॉक्स कंसीडर कर रहे हैं x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू एल के बीच में. पोटेंशियल बॉक्स के अंदर जीरो है, बॉक्स की वॉल पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है और उसके बाहर भी पोटेंशियल इनफाइनाइट है. कंसीडर अ पार्टिकल, कंसीडर अ पार्टिकल विद इन वन डायमेंशनल एक्सटेंडिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू एल. सपोज द वॉल्स ऑफ द बॉक्स are infinitely hard so that the particle does not lose energy when bounced back from the wall.
एंड द वेलोसिटी, एंड द वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी इज सो लो दैट वी कैन इग्नोर, वी कैन इग्नोर द रिलेटिविस्टिक कंसिडरेशन. Then the potential function is expressed as v equal to 0 and v equal to infinite. 0 किसके लिए है? When x is less than l and greater than 0. Infinite किसके लिए है? When x is less than 0 and x is greater than l. ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? The particle is always within the box. The probability, the probability of finding out the particle, finding the particle outside the box is zero. This implies that psi tends to zero everywhere outside the box. क्या किया? एक पार्टिकल कंसीडर किया. कंसीडर अ पार्टिकल विद इन वन डायमेंशनल बॉक्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू एल. सपोज द वॉल ऑफ द बॉक्स आर इनफाइनाइटली हार्ड सो दैट द पार्टिकल डज नॉट लूज एनर्जी व्हेन बाउंस बैक फ्रॉम द वॉल एंड द वेलोसिटी इज लो दैट वी कैन इग्नोर रिलेटिविस्टिक कंसीडरेशन. देन द पोटेंशियल फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज वी इक्वल टू जीरो एंड वी इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर एक्स इज लेस देन एल एंड ग्रेटर देन जीरो और इनफाइनाइट है. For x is less than 0 and greater than l. The particle is always within the box. The probability of finding out the particle outside the box is 0. This implies that psi tends to 0 everywhere outside the box. तो अब हम क्या करेंगे? जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको लिखेंगे और उसको अपना जो हमने केस कंसीडर किया है पार्टिकल का कि बॉक्स के अंदर है कन्फाइंड और सिर्फ एक डायरेक्शन कर सकता है उसके लिए हम उसको करना स्टार्ट करेंगे. रिलेटिविटी भी नहीं ले रहे हैं अभी हम, बहुत आइडियल केस लेके चलेंगे. डायग्राम भी बनाना है? हाँ जी, डायग्राम भी बनाना है. अब इसे करना स्टार्ट करते हैं. तो पहले क्या करेंगे? श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन लिखेंगे. वो क्या होती है हमारी? डेल स्क्वायर शाई प्लस टू, अगर एच क्रॉस की फॉर्म में लिख रहे हैं तो 2m अपॉन एच क्रॉस ई माइनस वी शाई इक्वल टू जीरो, और एच की फॉर्म में लिख रहे हैं तो 8 पाई स्क्वायर m एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इक्वल टू जीरो. तो इस श्रोडिंगर इक्वेशन को जो हमने केस लिया है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स उसमें रिड्यूस करेंगे. तो उसमें अगर आपको याद हो, मैंने कल बताया भी था, ये डेल स्क्वायर क्या है? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर. इसमें तीनों डायमेंशन है. अभी हमने इस बॉक्स सिर्फ एक डायरेक्शन में कंसीडर किया कि पार्टिकल वन डायमेंशन में मूव कर सकता है. तो इन डायरेक्शन में वेरिएशन उस पार्टिकल का जीरो है तो कॉन्स्टेंट ही हो गया, तो ये टर्म आएगी नहीं. तो ये डेल स्क्वायर सिर्फ डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर बन जाएगा. फिर बॉक्स के अंदर हम पोटेंशियल जीरो ले रहे हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा. तो हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है बॉक्स के केस में, वन डायमेंशन बॉक्स के केस में, डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम ई एच स्क्वायर शाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा. फिर ई के साथ ये जो जितनी वैल्यू लिखी है इसको हम एक कॉन्स्टेंट मान लेंगे, के स्क्वायर इक्वल टू एट पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर.
के की वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में, इस कांस्टेंट की, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर शाई इक्वल टू जीरो। अभी आपको ये सॉल्व करनी नहीं आती है, ये सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन आप याद कर लीजिएगा कि इसका सॉल्यूशन हमारा होता है शाई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है, इसका सॉल्यूशन ये होता है। जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में मैथ पढ़ेंगे तो 3 4 दिन में समझ जाएंगे कि इसका सॉल्यूशन ये कैसे आता है, 3 या 4 स्टेप में हो जाता है तब, है ना, लेकिन अभी नहीं समझ में आएगा। तो डेल स्क्वायर शाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर शाई इक्वल टू जीरो, इसका सोल्यूशन शाई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स होता है। तो देखा जाए हमारे पास वेव फंक्शन ऑलरेडी आ गया है पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए, बट यहाँ पर 3 कॉन्स्टेंट आ रहे हैं ए के एंड बी, तो हमें इन तीनों कॉन्स्टेंट को रिमूव करना है, या कह लीजिए इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए के और बी की। तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे पहले। तो बाउंड्री कंडीशन क्या आती है हमारी, कि पार्टिकल हमारा बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर है तो मतलब वॉल पे, और वॉल के बाहर हमारा वेव फंक्शन जीरो है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू एल पे शाई हमारा जीरो हो जाता है। सिंस द पार्टिकल इज इनसाइड द वेल या बॉक्स, देयरफॉर शाई इक्वल टू जीरो एट एक्स इज लेस देन जीरो एंड ऑल्सो एक्स इज ग्रेटर देन एल। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ शाई इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू एल, वॉल पर वेव फंक्शन जीरो होगा, क्योंकि पार्टिकल वॉल पे नहीं आ सकता है, वॉल की जस्ट वॉल को टच तो कर सकता है बट वॉल के ऊपर नहीं आ सकता है ना। तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू एल पर वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा, डिमांडेड बाय दीज आर द बाउंड्री कंडीशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो पहले हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे एक्स इक्वल टू जीरो पे एक्स शाई इक्वल टू जीरो है, फिर दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे एक्स इक्वल टू एल पे शाई जीरो है। तो पहली पहले बाउंड्री कंडीशन लगा लेते हैं एक्स इक्वल टू जीरो पे शाई जीरो है, तो शाई की वैल्यू जीरो रखी, एक्स की जगह जीरो रखा, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन टू, जीरो इक्वल टू ए साइन जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे तो जीरो ही आएगा, तो साइन जीरो प्लस बी कॉस जीरो। साइन जीरो जीरो होता है तो ये वाली टर्म तो पहले ही जीरो हो गई, तो बी कॉस जीरो इक्वल टू जीरो, और कॉस जीरो वन होता है तो बी इक्वल टू जीरो, एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई कि बी जीरो है, तो यहाँ पर इस बी की जगह जीरो रख सकते हैं। तो नाउ वेव फंक्शन शाई इक्वल टू ए साइन के एक्स, तो वेव फंक्शन अब हमारा क्या हो गया, शाई इक्वल टू ए साइन के एक्स। अब हमारे पास फिर 2 कॉन्स्टेंट रह गए ए और के, अब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाई, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, एक्स इक्वल टू एल पर वेव फंक्शन जीरो होता है, तो एट एक्स इक्वल टू एल पर शाई जीरो है, तो एक्स की जगह एल रख देंगे, तो इस इक्वेशन में शाई इक्वल टू जीरो ए साइन के एल। अब या तो ये जीरो है, दो चीजों का मल्टीप्लाई जीरो कब होगा, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अगर मैं ए जीरो कर देती हूँ, ठीक है, तो जैसे ही इसमें वैल्यू रखूंगी ए इक्वल टू जीरो, शाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। शाई इक्वल टू जीरो होने का मतलब है वेव फंक्शन है ही नहीं, बट हम तो कह रहे हैं पार्टिकल है बॉक्स के अंदर है, तो अगर पार्टिकल है तो उसके साथ वेव फंक्शन भी होगा, उसके साथ जो एसोसिएट है, तो इसका मतलब ये है कि ए कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि पार्टिकल एग्जिस्ट करता है बॉक्स के अंदर, तो क्या जीरो होगा, साइन के एल इक्वल टू जीरो। साइन के एल इक्वल टू जीरो मतलब साइन एन पाई, है ना, तो के एल की वैल्यू आ गई हमारी। अब एन की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, और फिर वेव फंक्शन में के की वैल्यू पुट कर देंगे, वेव फंक्शन आ जाएगा, फिर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ तक नोट करिए पहले, फिर उसके आगे हम इसको करते हैं स्लाइड को। यहाँ तक फिर रिपीट कर रही हूँ, क्या बताया हमने, पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा, उस श्रोडिंगर इक्वेशन को अपने केस के लिए रिड्यूस किया 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के लिए, कि पार्टिकल 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के अंदर कंफाइंड है, पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स जीरो है, एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई शाई इक्वल टू जीरो हो गया। या जो ई के साथ पूरी टर्म लिखी थी हमने उसको कांस्टेंट मान लिया के स्क्वायर, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर शाई इक्वल टू जीरो हो गई, सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरीके का इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है शाई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स होता है। हमारे पास 3 कॉन्स्टेंट थे ए बी के, इनको फाइंड करना था, तो इसके लिए हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई। बाउंड्री कंडीशन क्या है, कि बाउंड्री
बाउंड्री पर और बाउंड्री के बाहर वेव फंक्शन जीरो है, तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू एल पर वेव फंक्शन शायद जीरो होगा क्योंकि पार्टिकल वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, पार्टिकल बॉक्स के अंदर है। तो हमने दोनों कंडीशन लगाई, पहली कंडीशन जब एक्स इक्वल टू जीरो पे शाय जीरो किया तो बी जीरो आ गया, फिर हमने ये फंक्शन के अंदर रख दिया तो शाय इक्वल टू ए साइन के एक्स आ गया, फिर दूसरी कंडीशन लगाई एक्स इक्वल टू एल पर शाय जीरो है तो यहाँ से हमारा आ गया जीरो इक्वल टू ए साइन के एल, है ना। यहाँ तक नोट करिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। मैम नीचे a sin kl लिखा हुआ है क्या? हाँ, जीरो a sin kl। अब हम क्या करेंगे इसको, या तो a को कहेंगे कि जीरो है या फिर sin kl जीरो है, तो a जीरो नहीं हो सकता क्योंकि a जीरो करते ही वे फंक्शन जीरो हो जाता है और हम पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं कि पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, तो a कैन नॉट बी जीरो, sin kl इक्वल टू जीरो होगा। But A can not be zero. If A equal to zero, the equation 2 becomes zero, which is not possible. Hence, sin KL equal to zero. Therefore, KL equal to n pi. और n की value हम zero नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर zero ले लिया n को हमने तो फिर wave function शुरू में ही zero हो जाएगा। Sin zero zero होता है ना, तो sin one 2, n equal to 1, 2, 3 रखेंगे क्योंकि फिर x पे डिपेंड करता है वे फंक्शन, ठीक है। तो k equal to n pi upon l, इस k की वैल्यू वे फंक्शन में रख दीजिए तो वे फंक्शन आ जाएगा psi equal to a sin n pi x upon l। तो पहले यहां से बस इस कांस्टेंट की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बताया था, उस पर न्यूमेरिकल भी कराया था कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट द पार्टिकल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 होती है, और जो हमने रिलेशन लिखा था वो लिखा था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी शाई शाई स्टार और मॉड शाई स्क्वायर डीटाओ इक्वल टू 1, याद हो अगर मैंने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऐसे लिखवाई थी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड शाई स्क्वायर डीटाओ इक्वल टू 1, और मॉड शाई की जगह हम इसको, इसका मतलब शाई शाई स्टार है। अब हमारा वन डायमेंशनल केस है तो डी टाओ की जगह तो डी एक्स हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जब हमें यही नहीं पता पार्टिकल कहाँ पर है, बट अभी तो हमें पता है इस केस में पार्टिकल कहाँ पर है, पार्टिकल बॉक्स के अंदर है और बॉक्स की जो रेंज है वो जीरो से एल के बीच में है, तो जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हो जाएगी वो हमारी जीरो से एल हो जाएगी। तो बाय अप्लाइंग द नॉर्मलाइज वेव कंडीशन फॉर वन डायमेंशनल केस जीरो से एल शाई शाई स्टार डी एक्स इक्वल टू 1, और शाई स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, तो ये वैल्यूज रखेंगे शाई और शाई सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इक्वल टू 1 ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स को कॉस में चेंज कर लेंगे 1 बाय 2 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। फिर इंटीग्रेट कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो ए स्क्वायर बाय 2 एक्स माइनस साइन 2n pi x upon l upon 2n pi upon l, लिमिट्स रख देंगे l to 0, तो l to 0 जब लिमिट रखेंगे x की जगह जब यहाँ पर साइन के अंदर l रखेंगे तो l से l कट जाएगा, साइन 2n pi, साइन 2n pi की वैल्यू 0 होती है, फिर साइन x की जगह 0 रखेंगे साइन 0, साइन 0 0 होता है, तो ये वाली टर्म का कंट्रीब्यूशन x इक्वल टू l और x इक्वल टू 0 पे दोनों पे 0 है, तो इसलिए a स्क्वायर बाय 2 x ही रह जाएगा, x की लिमिट 0 से l और a स्क्वायर l बाय 2 और a स्क्वायर इक्वल टू 2 बाय l और a इक्वल टू अंडर रूट 2 बाय l, a की वैल्यू भी आ गई, k की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करेंगे वेव फंक्शन आ जाएगा, k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू आ जाएगा, तो हमारे पास वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू दोनों आ गए हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। तो यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। मैम साइन स्क्वायर इक्वल टू ए साइन एन पाई एल एन पाई एक्स अपॉन एल के क्या चीज
साई स्टार मैम, साई स्टार। साई स्टार क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन। तो हमारा वेव फंक्शन है साई इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। इसमें कहीं पर भी आई नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी यही होगा, है ना? साई स्टार का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन। मैंने जब कल पढ़ाया था तो बताया था साई स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कहीं पर अगर आई होता है तो उसकी जगह माइनस आई लिख देते हैं, ठीक है? माइनस आई होगा तो प्लस आई हो जाएगा, प्लस आई है तो माइनस आई हो जाएगा। बस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में ये करते हैं। तो यहाँ पर आई पे भी फंक्शन में आई नहीं है, तो जो ये वेव फंक्शन है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी यही रहेगा। बस मैम यहाँ जो साइन थीटा बाय थीटा वन होता है ना? नहीं, साइन थीटा जीरो जीरो होता है और वन तो कहीं, क्या कहना चाह रहे हो? देखिए यहाँ पे साइन क्या, साइन क्या बन रहा है? जब एल की वैल्यू रखोगे तो एल से एल कट जाएगा, साइन टू एन पाई, और पाई से कितना भी मल्टीपल ले लो साई का, है ना? वन, एन तो कोई नंबर है ना, एन वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, तो हमेशा कोई मल्टीपल होगा, तो क्या है, हमेशा है पाई का कोई भी मल्टीपल साइन के साथ जीरो वैल्यू। और जब साइन जीरो रखेंगे तो जीरो होगा ही, साइन जीरो जीरो। चलिए, तो ए की वैल्यू आ गई रूट टू बाई एल, इस इक्वेशन फाइव में रख देंगे, तो शाई एन इक्वल टू अंडर रूट टू बाई एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। इक्वेशन सिक्स रिप्रेजेंट द आइगन फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इनसाइड द पोटेंशियल वेल और पोटेंशियल बॉक्स। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम इक्वेशन फोर इन इक्वेशन वन, तो के स्क्वायर की जगह पाई एन पाई अपॉन एल रख देंगे, स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा हमारा ई एन की वैल्यू। ई एन हमारा आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर। यहाँ पे इस ई के नीचे एन लगा दिया क्योंकि ये एन पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर। और चाहे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ई एन इक्वल टू एच क्रॉस की फॉर्म में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि h क्रॉस स्क्वायर टू एच अपॉन टू पाई होता है। तो किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर भी लिखा हो सकता है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर भी लिखा हो सकता है। दोनों ही एक्सप्रेशन सही है, एक एक्सप्रेशन याद होना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। और n इक्वल टू हमारा 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है, n इक्वल टू 0 से नहीं स्टार्ट होता। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछ रहा है तो मतलब n इक्वल टू 1 रखना होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी पूछ रहा है तो n इक्वल टू 2 रखना होगा, ठीक है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ये नहीं सोचिएगा कि n इक्वल टू 1 रखना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि 0 रखने पे हमारा वेव फंक्शन शुरू में ही 0 हो जा रहा है। तो पार्टिकल इन बॉक्स के लिए वेव फंक्शन हमारा n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है और एनर्जी लेवल भी n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होती है। अब क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा फंक्शन आ गया है और जो आइगन वैल्यू आ गई है इसको हम प्लॉट करके दिखा सकते हैं। तो आइगन वैल्यूज en आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। तो मैं पहले तीनों ग्राफ बना के दिखा देती हूँ, फिर तीनों को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी। आप कॉपी में क्या करिएगा, यहाँ पे ऐसे एनर्जी लेवल्स बनाइएगा, या n इक्वल टू 1 रखिएगा, यहाँ n इक्वल टू 2, या n इक्वल टू 3, ठीक है? n इक्वल टू 1 पे शाई 1 आ रहा है ऐसे, शाई 2 आएगा ऐसे, शाई 3 आएगा ऐसे। ये तीनों अभी मैं ड्रॉ करके भी दिखा रही हूँ, लेकिन आप कॉपी में सिर्फ इतना बना के रखिए, है ना? ये शाई, बल्कि इसको हम शाई एन भी बोल सकते हैं कि शाई एन का ग्राफ है, और ये हमारा मॉड शाई एन स्क्वायर का ग्राफ है। एन इक्वल टू 1 पे, एन इक्वल टू 2 पे, और एन इक्वल टू 3 पे। तो ये बना लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ ये ग्राफ कैसे आ रहे हैं। मैम हाँ बोलिए।
मैम ये साई एन का तो मैम नेगेटिव में भी जा रहा है, हाँ तो मैम प्रोबेबिलिटी की नेगेटिव वैल्यू थोड़ी हो सकती है। हाँ तो प्रोबेबिलिटी तो मैंने पॉजिटिव ही दिखाया है, प्रोबेबिलिटी तो शाई शाई स्टार होता है ना, मोर शाई एन का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। शाई तो सिर्फ वेव फंक्शन बताता है कि जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है वो कैसे मूव कर रही है। द आइगन फंक्शन शाई एन एंड या फिर एनर्जी आइगन वैल्यू ई एन एंड प्रॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट द पार्टिकल is shown in figure, ठीक है। The eigen function psi n, energy eigen value en, and the probability of finding out the particle is shown in figure. तो जो लेवल्स हैं वो तो एनर्जी लेवल्स हैं, सीधा सीधा दिख रहा है। n इक्वल टू वन रखेंगे इसमें फॉर्मूले में तो ई एन आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर। तो इसकी अगर देखा जाए ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर है। एन इक्वल टू टू रखेंगे तो फोर हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हमारी फोर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर हो जाएगी। अगर ये वाली बात करेंगे तो ये नाइन एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर हो जाएगी। बट मैं ये नहीं लिख रही हूँ वरना फिर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड सा हो जाते हैं, है ना। इसलिए सिर्फ हमने एन वन टू थ्री लिख दिया है कि ये हमारा ई वन ई टू ई थ्री के लिए है। तो अगर ग्राउंड स्टेट आएगा एन इक्वल टू वन ले लेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगा एन इक्वल टू टू लेंगे और इनके बीच एनर्जी डिफरेंस आएगा तो क्या करेंगे E2 माइनस E1 कर लेंगे कि ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो बताइए, तो E2 माइनस E1 कर लेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के बीच में डिफरेंस आएगा तो E3 माइनस E2 कर लेंगे। तो इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए En इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर, जहां पर एन क्या है क्वांटम नंबर है इंटीजर है स्टेट्स पे डिपेंड करेगा, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम मास है जो भी पार्टिकल कन्फाइंड है उसका, ठीक है, एल इस बॉक्स की लेंथ है। तो ग्राउंड स्टेट कब होती है जब एन इक्वल टू वन होता है, तो शाई वन कैलकुलेट कर लेंगे, उसके लिए फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे और डेंसिटी मॉड शाई वन के लिए भी ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इस केस में देखिए शाई वन इक्वल टू एन की जगह वन रखा तो अंडर रूट टू बाय एल साइन वन पाई एक्स अपॉन एल, और अब एक्स की अलग अलग वैल्यूज रख के देखिए कि वे फंक्शन क्या होना चाहिए। तो पहले एक्स इक्वल टू जीरो रखा, एक्स इक्वल टू जीरो साइन जीरो तो वैल्यू जीरो आई, दूसरा एक्स इक्वल टू एल रखा, एल से एल कट जाएगा साइन पाई इक्वल टू जीरो, फिर तीसरी वैल्यू रख के देखी एक्स इक्वल टू एल बाय टू तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा पाई बाय टू हो जाएगा, पाई बाय टू मैक्सिमम वैल्यू है जो कि रूट टू बाय एल है, तो ये आ गई। तो यानी कि एन इक्वल टू वन के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए जो ग्राफ होता है वो एस होता है। शाई वन मॉड स्क्वायर का मतलब अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, तो मॉड स्क्वायर का ग्राफ भी यही रहेगा। फिर जैसे हमने एन वन इक्वल एन इक्वल टू वन के लिए निकाला ऐसे ही एन इक्वल टू टू के लिए ग्राफ निकाल सकते हैं, एन इक्वल टू थ्री के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं। एन इक्वल टू टू और एन इक्वल टू थ्री के लिए ग्राफ बताइए कैसा आएगा। टू टू रखा शाई टू इक्वल टू अंडर रूट टू बाई एल साइन टू एन टू पाई एक्स अपॉन एल, फिर प्लॉट करके देखा, देखिए यहाँ पे मैंने तीनों दिखा रखा है। जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो शाई टू जीरो होगा, साइन जीरो जीरो होता है। जब एक्स इक्वल टू एल रख रहे हैं तो साइन टू पाई हो जाएगा, साइन टू पाई भी पाई का मल्टीपल जीरो होता है। जब x इक्वल टू एल बाय टू रख रहे हैं तो शायद टू फिर से जीरो हो रहा है, तो यानी इन तीन पॉइंट्स पे वेव फंक्शन
जीरो गया, तो यानी लेकिन ऐसा तो है नहीं पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फिर हम और अदर वैल्यूज फाइंड करके देखेंगे, तो एक बार एल बाई फोर रख के देखेंगे, एक बार थ्री एल बाई फोर रख के देखेंगे। तो जब एल बाई फोर रखोगे इसमें, तो एल बाई फोर करोगे, एल से एल कट जाएगा, टू से यहाँ पे फोर कटेगा, तो पाई बाई टू बन जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ ऐसे हो गया। तो जब यहाँ पे थ्री एल बाई फोर रखोगे तो थ्री पाई बाय टू बन जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, मॉड लेंगे तो मॉड में जो नेगेटिव होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, तो दो पीक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक सिमेट्री भी दिख रही होगी, जब एन इक्वल टू वन था वन पीक थी, एन इक्वल टू टू था टू पीक थी, तो एन इक्वल टू थ्री होगा यानी कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगी, तो हमें तीन पीक मिल जाएंगी। और एन इक्वल टू फोर होगा तो ऑब्वियस है फोर मिल जाएंगी। ये पीक्स जो है इनका विड्थ कम होता जाएगा, लैम्डा कम होता जाएगा, ठीक है, लेकिन वो बढ़ती जाएगी, नोड बढ़ते जाएंगे इसके। मैम मैम एन इज इक्वल टू टू में या फिर एन इक्वल टू थ्री में सेकंड वाले जो बॉक्स का इधर वाला साइड है वहां पे मैम नेगेटिव नेगेटिव में क्यों नहीं हो रहा? बेटा मॉड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मॉड स्क्वायर का मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो मॉड में तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है ना। और इसको ऐसे भी मान सकते हो, दो नेगेटिव वैल्यू भाई शाई टू, मतलब मॉड स्क्वायर का मतलब क्या है, शाई इनटू शाई स्टार, ये भी नेगेटिव था ये भी नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है ना। तो इसलिए यहाँ पे कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है मॉड शाई स्क्वायर में। प्रोबेबिलिटी वैसे भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है, मतलब मैक्सिमम हो सकती है या। चलिए तो फिर नेक्स्ट स्लाइड कर लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। डेफिनेशन ले लेते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन की। बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन वी ऑब्टेन पॉसिबल सेट ऑफ शाई फंक्शन। इन द केस ऑफ बाउंड पार्टिकल द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन आर पॉसिबल ओनली फॉर सर्टेन स्पेसिफाई वैल्यू ऑफ एनर्जी। दीज डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी E1, E2, EN आर कॉल्ड एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ अ पार्टिकल एंड द सॉल्यूशन शाई वन शाई टू एंड डैश डैश शाई एन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू आर कॉल्ड आइगन फंक्शन। तो ई वन के साथ शाई वन एसोसिएट होगा, ई टू के साथ शाई टू एसोसिएट होगा, है ना। तो हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन फंक्शन होगा। तो जो एनर्जी लेवल है जब हम पार्टिकल इन बॉक्स की बात करते हैं या किसी पार्टिकल को बाउंड कर देते हैं किसी रेंज में, तो वहां पर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिस्क्रीट हो जाते हैं, कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स नहीं होते हैं। यहाँ से डिस्क्रीट एटम की जो डिस्क्रीट एनर्जी है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे जैसे देखेंगे भी डिस्क्रीट कैसे है, जो हमारा ई एन है वो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर है। तो जैसे जैसे एल चेंज होगा वैसे वैसे ई एन के बीच का सेपरेशन चेंज होगा। तो जितना एल कम होता जाएगा उतने ही डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स दिखते जाएंगे। तो क्या हो रहा है, वेव फंक्शन रोटेट कर रहा है, ठीक है, और ऐसी प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे दिखा रखा है। चलिए तो अब मैं इसको कौन सा देखनी है स्लाइड।